विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 के दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में दो बिहारियों को भी जगह दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई है। दोनों को साल 2020 के दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में जगह देते हुए बताया है कि ये आगामी दशक के निर्णायक चेहरे हो सकते हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में कन्हैया कुमार को 12वें पर और प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर रखा है। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अलावा 5 भारतीयों को भी सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने कन्हैया कुमार के बारे में लिखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 32 वर्षीय नेता कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र राजनीति का चेहरा उस समय बन गए जब 2016 में देशद्रोह के आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। बिहार के बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के टिकट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी हार हुई। वहां बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह से करीब 4 लाख वोटों से हार गए, लेकिन उन्होंने 22.03% वोट हासिल किए थे। फोर्ब्स ने कन्हैया को भविष्य का नेता बताया है। वहीं प्रशांत किशोर के बारे में लिखते हुए दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन ने लिखा, 42 वर्षीय प्रशांत किशोर साल 2011 से एक राजनीतिक रणनीतिकार है। उन्होंने भाजपा को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की। प्रशांत किशोर अब संगठन के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। साल 2019 में आईपैक ने तेलंगाना में वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी और महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए रणनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2020 में सलाह दे रहे हैं। एक को छोड़कर आईपैक ने उन सभी अभियानों को जीत लिया है जिनमें राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की है। उन्होंने पूरी भारतीय राजनीति को एक तरह से बदल कर रख दिया है।